हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र, आप देख रहे हो आई टिक। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात बताने वाले हैं, अगर आप आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। वैसे तो मेरे फ़ोन में तो यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन किसी किसी मोबाइल में नहीं आता है। तो क्या करते हैं, सिंपली सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें क्या होता है कि यहाँ से आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना, वो हटा रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो गायब हो चुका है। अब ये कहाँ से इनेबल करना है, सेम टू सेम प्रोसेस आपको करना है। सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको कंट्रोल सेंटर में जाना है, एंड यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जस्ट सामने। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपके सामने जो होगा ना, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदर ऊपर होल्ड क्लिक करके देख भी सकते हो कि कितनी देर तक क्या रिकॉर्डिंग होगी। एंड अगर आप माइक्रोफोन बंद करना चाहते हो तो माइक्रोफोन पर क्लिक कर दीजिए, आपका माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रख सकते हैं। माइक्रोफोन बंद करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो, अगर आप कोई सॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका म्यूजिक जो होगा ना, वो क्लियर रिकॉर्ड होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने अलग से डाउनलोड ही कर रखा है। ठीक है, माइक्रोफोन बंद करके रिकॉर्ड करोगे तो ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिल जाए।